Very good evening, everyone. My name is Shubham Singhania, and I'm your mentor for UPSC Commerce as well as Management Optional. Now, a lot of students have been asking me one important question that, sir, can we skip numericals in our UPSC Management Optional? तो एक तरीका तो क्या है आपके इस सवाल का जवाब देने का कि मैं डायरेक्टली आपको जवाब बता दूं. दूसरा तरीका क्या है कि मैं रैशनली, लॉजिकली और रिसर्च के बेसिस पे आपको ये दिखाऊं कि क्या आप एक्चुअली में इस न्यूमेरिकल्स को स्किप कर सकते हैं या फिर नहीं. तो इस वीडियो के एंड में आपको आपका जवाब मिल जाएगा, बट ये बहुत लंबी वीडियो नहीं होने वाली है. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड, जल्दी से आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. ठीक है, सबसे पहले मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूं या फिर क्या समझाना चाहता हूं, दैट व्हाट इज द काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स दैट आर देयर इन पेपर वन एज वेल एज पेपर टू. सबसे पहले वो समझ लेते हैं. तो पेपर वन के अंदर हमारे पास दो सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी. सेक्शन ए के सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? मैनेजरियल फंक्शंस, विच इज नथिंग बट योर ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी जिसे हम कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. ये तीन सब्जेक्ट्स मिला के आपका सेक्शन ए बनाते हैं. ठीक है, विच इज प्योरली थ्योरिटिकल इन नेचर. ये पूरा का पूरा थ्योरी है, इसमें कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन या फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आता है, एज द नेचर ऑफ सब्जेक्ट इज प्योरली थ्योरी. बट इसके अंदर आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन, कमेंट करने वाले क्वेश्चन, ओपिनियन देने वाले क्वेश्चन, डिस्कस करने वाले क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल मिलेंगे. तो कंसेप्चुअल क्वालिटी की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड सेक्शन विच इज सेक्शन बी, अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज वेल एज मार्केटिंग मैनेजमेंट. ये तीन सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे जो कि सेक्शन बी के हैं. अब इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो दो सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स एज वेल एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दे आर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जिसके अंदर न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस हैं. Now, for this particular video, what I have done is based on your 2021 exam, जो 2021 का exam हुआ था, उसके basis पे मैंने analysis की है. तो अगर मैं paper 1 के बारे में बात करूं, तो paper 1 में सिर्फ एक ही question numerical पूछा गया था, which was question number 7, A part. Question number 7 और A आप चाहें तो आप जाके देख सकते हैं. It was a 20 mark question, जिसके अंदर marginal costing पे एक numerical पूछा गया है. Apart from this question, there is not a single question in the entire paper 1 of 2021 exam जिसके अंदर numerical सवाल पूछा गया. ठीक है, तो अगर सिर्फ 2021 को देखें तो ऑफकोर्स यू कुड हैव स्किप दैट क्वेश्चन. आप क्वेश्चन नंबर 7 को स्किप कर सकते थे, बाकी बचे हुए 7 क्वेश्चन में से कोई भी 5 क्वेश्चन कर सकते थे, एंड यू कुड हैव स्किप द numerical. बट आई वुड लाइक टू से दिस विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट कि जो यूपीएससी का पैटर्न है दैट इज वेरी रैंडम, उसमें कोई भी ऐसा पैटर्न नहीं है जो स्ट्रिक्टली फॉलो होता है. तो हो सकता है कि इस अटेम्प्ट में न्यूमेरिकल्स ना पूछे गए हों, ज्यादा न्यूमेरिकल्स ना पूछे गए हों. हो सकता है आने वाले अटेम्प्ट में, क्योंकि दो सब्जेक्ट्स हमारे पास ऑलरेडी प्रैक्टिकल के हैं, तो हो सकता है उससे और न्यूमेरिकल पूछ लिए जाएं, जहां पे आप हो सकता है न्यूमेरिकल स्किप ना कर पाए. तो पेपर वन के बारे में मैं अभी तक यही कह सकता हूं कि 2021 के बेसिस पे आप न्यूमेरिकल स्किप कर सकते थे, बट बेस्ड ऑन द लास्ट 5 ईयर एनालिसिस आई वुड नॉट से कि आप न्यूमेरिकल स्किप कर सकते थे. ठीक है, तो ये तो बात हो गई पेपर वन की. अब पेपर टू को देख लेते हैं. पेपर टू के अंदर भी दो सेक्शन है, आपको पता है. द फर्स्ट सेक्शन कंप्राइज ऑफ क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड MIS व्हिच इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. तो ये तीन सब्जेक्ट्स हैं आपके पास. ठीक है, व्हिच कंप्राइज ऑफ योर सेक्शन ए. इसके अंदर अगेन देयर आर टू सब्जेक्ट्स व्हिच आर ऑफ प्रैक्टिकल नेचर, दैट इज क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड ऑपरेशंस, एंड जो MIS है दिस इज अगेन अ थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट. ठीक है, सेक्शन बी के बारे में बात करते हैं. इट हैज GBI व्हिच इज गवर्नमेंट बिजनेस इंटरफेस, देन वी हैव इंटरनेशनल बिजनेस, एंड देन वी हैव स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. जो सेक्शन बी है दिस इज प्योरली थ्योरी इन नेचर. तो हमारा जो फोकस होने वाला है इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर, इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर, जो डिस्कशन का फोकस होने वाला, दैट इज गोइंग टू बी ऑन पेपर टू बट सेक्शन ए ओनली, बिकॉज अदरवाइज भी पेपर टू सेक्शन ए को बहुत ही प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन से समझा जाता है, बिकॉज इसमें न्यूमेरिकल का वेटेज स्लाइटली ज्यादा है. ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द डायनेमिक्स ऑफ पेपर टू सेक्शन ए. अभी एक छोटी सी स्लाइड मैंने यहाँ पे जानबूझ के रखी है इन ऑर्डर टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि हमें कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं. आई नो आपको पता है, आप सोच रहे होंगे सर इतनी बेसिक बातें क्यों बता रहे हो, बट उन लोगों के लिए जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, जो अभी अभी बिगिनर्स हैं, दे आर जस्ट स्टार्टेड प्रिपेयरिंग बिकॉज देर गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, उनके लिए मैं बता देना चाहता हूं कि आपको इन ऑल 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं. ठीक है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 जो सेक्शन ए का होता है दैट इज कंपलसरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 जो होता है दैट इज अगेन अ कंपलसरी क्वेश्चन, इसके सिवाय आपको 3 क्वेश्चंस और करने होते हैं. इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल आपके पास दो सेक्शन में मिला के 8 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन सेक्शन ए के अंदर, 4 क्वेश्चन सेक्शन बी के अंदर, और उसमें से टोटल आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं, 5. उन 5 में से 2 क्वेश्चन में आपके पास चॉइस नहीं है, यू हैव टू मैंडेटरली अटेम्प्ट देम, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम सेक्शन ए एंड क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम सेक्शन बी. अब बच गए 3 क्वेश्चन. अब उन 3 क्वेश्चन में क्या है, एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन हैज टू बी पिक्ड अप. इसका क्या मतलब है कि बचे हुए 3 क्वेश्चन में से
एक एक क्वेश्चन आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी में से पिक करना पड़ेगा, और जो सेकंड क्वेश्चन है, जो लेफ्ट ओवर थर्ड क्वेश्चन है सॉरी, उसको आप किसी भी सेक्शन में से पिक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि हम ये नहीं कर सकते कि हमने बचे हुए तीनों क्वेश्चन सिर्फ सेक्शन ए से उठा लिए या फिर सेक्शन बी से उठा लिए। ठीक है, ये ब्रॉड क्लैरिटी हो गई हमें। अब आगे चलते हैं एंड लेट मी शो यू दैट व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग अप इन सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर वन। अब क्वेश्चन फाइव मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो सेक्शन बी है वो प्योरली थ्योरी नेचर है, तो हम सेक्शन ए पे फोकस करते हैं। ठीक है, सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन देखते हैं विच इज अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ये पहला ही क्वेश्चन हमें समझ में आ गया कि भाई देख के समझ में आ रहा है दैट इट इज बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, या फिर जिसको आप स्टैटिस्टिक्स भी कहते हैं, ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और उसका वेटेज कितना है 10 मार्क्स। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन विच इज ऑन सप्लाई चेन, बेसिकली MIS का क्वेश्चन है ये। ठीक है, एंड दिस इज अ क्वेश्चन सॉरी इट इज अ क्वेश्चन फ्रॉम ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड दिस इज अ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन क्या हो गया, सेकंड क्वेश्चन हमारा थ्योरी क्वेश्चन हो गया। लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। अगर मैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात करूं, थर्ड क्वेश्चन इज हाउ कैन इन्फॉर्मेशन सिस्टम ब्रिंग कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, दिस इज अगेन अ काइंड ऑफ अ थ्योरी क्वेश्चन। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन हमें पता चल गया दैट दिस इज अगेन अ थ्योरी क्वेश्चन। 1D फोर्थ क्वेश्चन के बारे में बात करें, डी पार्ट के बारे में बात करें, दिस इज अगेन अ क्वेश्चन ऑन न्यूमेरिकल्स, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, बेसिकली इन्वेंटरी मैनेजमेंट का क्वेश्चन है एंड दिस इज अगेन अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। इसके साथ में जो लगा हुआ है छोटी सी कैलकुलेशन मांग रहा है, बट दिस इज अगेन अ काइंड ऑफ अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन ओनली। ठीक है, तो 10 मार्क्स क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर एंड 10 मार्क्स क्वेश्चन नंबर 1D के अंदर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन व्हाट इज फिशर्स आइडियल इंडेक्स, दिस इज अगेन अ स्टैटिस्टिक बेस्ड क्वेश्चन बट इट इज अगेन अ थ्योरी क्वेश्चन। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 को देखने की कोशिश करूं, इसमें 20 मार्क्स का मेरा जो वेटेज है वो कंपल्सरीली बेस्ड ऑन 2021 पेपर इट बिकम्स अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो सबसे पहला सवाल जो आपने मुझसे पूछा था या जो आप मुझसे हर बार पूछते हैं कि सर क्या हम न्यूमेरिकल स्किप कर सकते हैं, द आंसर इज सर्टेनली नो, यू कैन नॉट स्किप द न्यूमेरिकल्स एटलीस्ट इन पेपर 2 सेक्शन ए। क्यों? क्योंकि जो आपका कंपलसरी क्वेश्चन है उसके अंदर ही मिनिमम से मिनिमम आपको 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलेंगे जो कि 20 मार्क्स के होंगे। अब मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि 20 मार्क्स कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं आपके मेंस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, तो आप इसको छोड़ के नहीं जा सकते। ठीक है, वी विल गो अ स्टेप फर्दर टू अंडरस्टैंड कि इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर, सेक्शन ए के अंदर, पेपर 2 के अंदर आप कितने न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करना आपके लिए जरूरी है। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नाउ बेस्ड ऑन 2021 पेपर आई हैव क्रिएटेड अ टेबल, आई हैव क्रिएटेड अ डायग्राम वेयर आई एम शोइंग यू कि कितने न्यूमेरिकल्स हमसे पूछे गए थे और कितने हमसे थ्योरी क्वेश्चंस पूछे गए थे। सेक्शन बी के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज दैट इज एन एंटायरली थ्योरी सेक्शन, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे तो उसके बारे में हम डिस्कशन नहीं करते। लेट्स कीप आर फोकस टूवर्ड सेक्शन ए। ठीक है, अब सेक्शन ए के अगर आप सेकंड क्वेश्चन को देखें तो इसके अंदर 2 क्वेश्चन के अंदर न्यूमेरिकल है और 1 क्वेश्चन के अंदर थ्योरी है। थर्ड क्वेश्चन को देखें, अगेन 2 क्वेश्चन के अंदर न्यूमेरिकल है, 1 क्वेश्चन के अंदर थ्योरी है, और फोर्थ क्वेश्चन के अंदर भी हमें 2 न्यूमेरिकल दिख गए, सिर्फ 1 ही थ्योरी क्वेश्चन है। तो इसका क्या मतलब है कि जो आपके एग्जामिनर सेटर्स हैं, जो एग्जामिनर्स हैं, उन्होंने बहुत ही स्मार्टली पेपर को सेट किया हुआ है कि किसी भी क्वेश्चन के अंदर उन्होंने ऐसा नहीं किया कि इट इज एन ऑल टुगेदर थ्योरी क्वेश्चन ताकि आप न्यूमेरिकल्स को स्किप कर दें। ठीक है, इनमें से 1 क्वेश्चन आपको मिनिमम अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। अभी हमने इंस्ट्रक्शन पढ़ी कि आपको हर सेक्शन में से 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा आफ्टर यू हैव अटेम्प्टेड योर मैंडेटरी क्वेश्चन। तो थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं कि जो बचे हुए 3 क्वेश्चन थे उनमें से 2 क्वेश्चन आपने यहां से अटेम्प्ट कर दिए, दैट मीन सेक्शन बी से अटेम्प्ट कर दिए। ठीक है, तो भी अभी 4 ही क्वेश्चन हुए, 1 हो गया क्वेश्चन नंबर 1, 1 हो गया क्वेश्चन नंबर 5, 2 क्वेश्चन आपने यहां से अटेम्प्ट कर लिए, 1 क्वेश्चन अभी भी बचता है जो आपको सेक्शन ए में से अटेम्प्ट करना मैंडेटरी है अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस। तो आप इनमें से कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन उठा लीजिए, कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए, सेकंड उठा लीजिए, थर्ड उठा लीजिए या फिर फोर्थ पिकअप कर लीजिए, यू विल हैव टू अटेम्प्ट द न्यूमेरिकल। और मैं आपको बता दूं कि कभी कभी न्यूमेरिकल 15-15 मार्क्स के होते हैं, कई बार ये न्यूमेरिकल 20-20 मार्क्स के होते हैं, जो थ्योरी क्वेश्चन होता है वो 10 मार्क्स का होता है। इसका मतलब मैं आपको क्या बोल सकता हूं कि इन द रेंज ऑफ 30 और 40 मार्क्स, या तो 2 क्वेश्चन 15-15 मार्क्स के होंगे या तो दोनों क्वेश्चन 20-20 मार्क्स के होंगे और वाइस वर्सा। तो अप्रोक्सीमेटली मैं आपको नंबर दे सकता हूं कि कम से कम 30-40 मार्क्स का 1 और न्यूमेरिकल आपको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा फ्रॉम योर सेक्शन ए। तो अगर मैं मिनिमम, सिर्फ बेयर मिनिमम मैं लेके चलूं तो 40 मार्क्स यहां से और 20 मार्क्स क्वेश्चन नंबर 1 में से, तो अप्रोक्सीमेटली 60 मार्क्स आपके लिए मैंडेटरी हो जाते हैं फॉर यू टू अटेम्प्ट द न्यूमेरिकल्स फ्रॉम योर मैनेजमेंट ऑप्शनल पेपर 2 सेक्शन ए। कम से कम 60 मार्क्स का आपको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, इसको आप स्किप नहीं कर सकते।
अब मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं कि 60 मार्क्स कितने ज्यादा मायने रखते हैं आपके लिए इन ऑर्डर टू क्वालिफाई योर मेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, एक और सवाल आपके दिमाग में यहां पे आ रहा होगा कि सर क्या हम ये कर सकते हैं कि हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ के चले जाएं और ऑपरेशनल छोड़ दें, मतलब बेसिकली टू रिड्यूस द आर एफर्ट्स इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल। यू कैन नॉट डू दैट माय डियर स्टूडेंट्स। व्हाई? बिकॉज यहां पे जब मैंने प्रॉपरली एनालिसिस किया तो मुझे क्या आइडेंटिफाई हुआ कि जो दो न्यूमेरिकल्स हैं ये कभी भी एक ही सब्जेक्ट से नहीं होते हैं। एक न्यूमेरिकल अगर स्टैटिस्टिक्स का है, लेट्स से दिस इज फ्रॉम क्वांटिटेटिव टेक्निक्स से स्टैटिस्टिक्स, तो दूसरा जो क्वेश्चन है वो ऑपरेशन से पूछा गया। सेम इज हैपनिंग इन क्वेश्चन नंबर 2 आल्सो एंड द सेम थिंग इज हैपनिंग मेजरली इन क्वेश्चन नंबर 4 आल्सो। तो इसका क्या मतलब है कि आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि एक सब्जेक्ट पढ़ के चले जाएं और दूसरा स्किप कर दें। एंड आई एम अगेन टेलिंग यू, पेपर 1 के अंदर भी, जो अभी हमने पेपर 1 के अंदर भी डिस्कशन किया, वहां भी ऐसा चांस हो सकता है क्योंकि दो सब्जेक्ट्स हैं आपके पास सेक्शन बी के अंदर, दैट इज अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स एज वेल एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हो सकता है कि सेम पैटर्न फॉलो कर दिया जाए बाय द एग्जामिनर्स, यू नेवर नो। सो आइडियली अगर मुझे कंक्लूड करना हो, आप न्यूमेरिकल्स का पोर्शन रिड्यूस जरूर कर सकते हैं। लेट्स से आपने 3 क्वेश्चन की जगह सिर्फ 2 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, एक क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें आपने 2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल के कर लिया और एक क्वेश्चन आपने यहां से पिक कर लिया, तो आप रिड्यूस कर सकते हैं कि आप प्रैक्टिकल ज्यादा अटेम्प्ट ना करें, बट यू कैन नॉट स्किप द न्यूमेरिकल पोर्शन। ठीक है, ऑल्सो मैं एक और छोटी सी बात बताना चाहूंगा, क्योंकि मैनेजमेंट पेपर्स मैं लास्ट 4-5 सालों से देख रहा हूं, मैनेजमेंट ऑप्शन के पेपर्स, द अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस इन टर्म्स ऑफ थ्योरी आर ऑल्सो वेरी कंसेप्चुअल एंड एनालिटिकल इन नेचर। जो क्वेश्चंस हैं वो काफी एनालिटिकल लेवल के हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आपने थोड़ी सी भी गलती करी, थोड़ी सी भी आपसे चूक हो गई क्वेश्चन को बेटर तरीके से समझने में, तो आप थ्योरी में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। सो मैं आपको ये एडवाइस बिल्कुल नहीं करूंगा कि आप अपनी सोलेली जो डिपेंडेंस है वो थ्योरी क्वेश्चन के ऊपर रख लें या फिर सेक्शन बी के अंदर रख लें इन ऑर्डर टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। यू माइट एंड अप स्कोरिंग वेरी लेस मार्क्स बिकॉज हो सकता है जो थ्योरी क्वेश्चन आए वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स आ जाए। सो इट विल नेवर बी एडवाइजेबल एंड आई डोंट थिंक सो कि यू शुड गो अहेड विद दिस कि आपको न्यूमेरिकल्स जो हैं वो छोड़ के जाने हैं या फिर उन पे फोकस कम करना। यू शुड इक्वली फोकस ऑन थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल और न्यूमेरिकल पोर्शंस फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी मैनेजमेंट ऑप्शन। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो, आई होप यू गॉट अ लॉट ऑफ क्लैरिटी। ऑल्सो मैं एक छोटी सी बात और यहां पे ऐड करना चाहूंगा, दैट वी हैव अ डेडिकेटेड चैनल फॉर यूपीएससी कॉमर्स एंड मैनेजमेंट ऑप्शन, दैट इज यूपीएससीपीडिया बाय अनु जिंदल। उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं बाय गोइंग टू द यूट्यूब। ठीक है, उसका जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे आपको डेडिकेटेड लेक्चर्स मिलेंगे, काफी सब्जेक्ट ओरिएंटेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, कुछ सैंपल वीडियोस मिल जाएंगे हमारे कोर्स की। ठीक है, यू विल ऑल्सो गेट टू सी अ लॉट ऑफ आंसर राइटिंग मॉक सेशंस ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमर्स एज वेल एज मैनेजमेंट ऑप्शन। तो प्लीज उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट यू नेवर मिस एनी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन योर प्रिपरेशन। ओके, ऑल्सो अगर आपको हमारा कोर्स पसंद आता है, यू वॉन्ट टू परचेज अ कोर्स विच इज रनिंग एज ऑफ नाउ फॉर कॉमर्स एज वेल एज मैनेजमेंट ऑप्शनल, तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, दैट इज anujindal.in। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं ऑन द नंबर 9999466225। अगर आप ईमेल करके हमसे क्वेरी पूछना चाहते हैं या कुछ और जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं ऑन द आईडी info@anujindal.in। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द बेसिक्स नाउ। अब आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आ गई कि आपको किस तरीके से स्ट्रेटेजाइज करना है एंड यू शुड नॉट जस्ट बी डिपेंडेंट ऑन द थ्योरी पोर्शंस। जाने से पहले एक छोटी सी बात आपको और बोलना चाहूंगा दोस्तों, ये अंडर ग्रेजुएट लेवल का पेपर नहीं है जहां पे सिर्फ थ्योरी करके चले गए और पेपर क्लियर हो गया, बिकॉज यहाँ पे पास नहीं होना है। ठीक है, यू जस्ट डू नॉट हैव टू फोकस कि भाई हम कुछ भी अटेम्प्ट करके आ जाएं और हमारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, जो कि आपके अंडर ग्रेजुएट लेवल इवन मास्टर्स लेवल में हो जाता है। आपको यूपीएससी ऐसा प्रेस्टिजियस एग्जाम क्रैक करना है जहां पे जब तक आपका स्कोर अच्छा नहीं होगा, आप बहुत अच्छा स्कोर नहीं करेंगे, बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, यू विल नॉट बी एबल टू क्रैक द एग्जाम। तो प्लीज इस माइंडसेट से मत आइए कि मैं थ्योरी पढ़ के चला जाऊं मेरा काम हो जाएगा या फिर मैं सिर्फ प्रैक्टिकल पढ़ के चला जाऊं मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर लेक्चर। थैंक यू, इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग एंड गॉड ब्लेस यू।